किसान आंदोलन तो आपको याद ही होगा। एक बार फिर से वैसे ही तस्वीर दिल्ली में देखने को मिल रही है, जहां पर 5000 से ज्यादा किसान पहुंचे हैं। ये तस्वीर उसी ओर इशारा कर रही है कि क्या एक बार फिर से किसान आंदोलन हो सकता है, यानी क्या एक बार फिर से किसान आंदोलन की एक दूसरी तस्वीर देखने को मिल सकती है। पूरे दिल्ली एनसीआर में इसी बात को लेकर चर्चा है। साल भर किसान आंदोलन चला था और किसान दिल्ली बॉर्डर पर तंबुओं में बैठे रहे थे। बड़ी मुश्किल से किसानों ने अपना आंदोलन छोड़ा था। पीएम ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया, तब जाकर किसान माने और दिल्ली एनसीआर को उन्होंने छोड़ा। बड़ी संख्या में किसानों के महापंचायत में भाग लेने के लिए जंतर मंतर पहुंचने के कारण सोमवार की तस्वीर कुछ अलग दिखी। गाजीपुर और सिंघू बॉर्डर समेत दिल्ली की सीमाओं पर बहुत जाम था। पुलिस की पाबंदियां भी रहीं। कुछ यात्री एक घंटे से ज्यादा समय तक फंसे रहे। दरअसल संयुक्त किसान मोर्चा यानी एसकेएम की तरफ से महापंचायत बुलाई गई। इस दौरान एमएसपी पर कानूनी गारंटी और बिजली संशोधन विधेयक 2022 रद्द करने समेत कई मांगे सामने रखी गई। लेकिन इन किसानों की बड़ी मांगे क्या हैं? चलिए एक एक करके आपको इनकी मांगे बताते हैं। पहला, लखीमपुर खीरी के किसान, परिवारों को इंसाफ, जेल से किसानों की रिहाई, मंत्री अजय मिश्र टेनी की गिरफ्तारी। दूसरा, स्वामीनाथन आयोग के C2+50% फॉर्मूले के आधार पर एमएसपी की गारंटी का कानून बने। तीसरा, देश का हर किसान कर्ज मुक्त हो। चौथा, बिजली बिल 2022 को रद्द किया जाए। पांचवा, गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़े, बकाया राशि का तुरंत भुगतान हो। छठा, भारत WTO से बाहर आए और सभी मुक्त व्यापार समझौता रद्द करे। सातवां, किसान आंदोलन में दर्ज सभी केस वापस लिए जाएं। आठवां, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों के बकाया मुआवजे का तुरंत पेमेंट हो। नौवां, अग्निपथ योजना की वापसी हो। और दसवां है, बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी का विरोध हो। दरअसल पुलिस से बकझक भी हुई। इस दौरान बैरिकेडिंग तोड़ी गई, जहां मिली थी जगह वहीं पर किसान जम गए। महापंचायत की अलग अलग तस्वीरें सामने आई, लेकिन एक बार फिर से इस चर्चा को हवा मिलने लगी है कि क्या किसान एक बार फिर आंदोलन कर सकते हैं। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।